लायंस क्लब भवानी मंडी रॉयल एवं नून हॉस्पिटल भवानी मंडी के संयुक्त तत्वावधान में रविंद्र टैगोर बाल विद्या मंदिर में पारेता परिवार की ओर से पहल पारेता की प्रथम पुण्यतिथि पर बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच परामर्श शिविर आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए लायंस सदस्य आलोक विजावत ने बताया कि इस अवसर पर पारेता परिवार एवं मित्रगण की ओर से छात्रों को जूते, मोजे एवं स्कूल स्टेशनरी का सामान वितरण किया गया। तत्पश्चात बच्चों को भोजन करवाया गया। कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर शुरू किया गया एवं स्वर्गीय प्रहल पारेता को लायंस सदस्य मित्र ग्रहण एवं परिवार सदस्यों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित एवं मौन रखा गया, जिसमें पारेता परिवार के समस्त सदस्य अमरलाल पारेता, अनूप पारेता, आशीष पारेता, भारत पारेता, आकाश पारेता, लायंस क्लब अध्यक्ष के राठी, लायंस सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, कालू लाल सालेचा, नरेंद्र पिछोलिया, राजेश गुप्ता, पीयूष जैन, भूपेश गुप्ता, दामोदर दयाल शुक्ला, हेमंत सुमन, गणेश सालेचा, सौरभ बंसल, सुमित सालेचा, मयंक अग्रवाल एवं प्रबुद्ध नागरिक गोपाल जायसवाल, हर्षुल जायसवाल, स्कूल संचालक प्रफुल्ल शर्मा एवं समस्त स्टाफ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तवर की रिपोर्ट। आने का जो निर्णय लिया उसके लिए शाला परिवार और सभी विद्यार्थियों की ओर से मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये बच्चे नीडेड हैं। कुछ पिछड़ी जातियों से बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। हमारे पास आशीष भैया आए कि भैया हमको ऐसे ऐसे कुछ करना है। मैंने उनको बताया कि बहुत अच्छी जगह आप यहाँ पर कर रहे हो। इस कार्यक्रम को करने से भैया को जो पहल पारेता है इसको आत्मा को काफ़ी शांति मिलेगी। और तो भैया ने मेरे बात को माना और उन्होंने यहाँ पर कुछ सामग्री और भोजन की व्यवस्था उनके परिवार की ओर से विद्यालय में रखी। मैं विद्यालय परिवार की ओर से पुनः आभारी हूँ। भगवान ने यह निर्णय लिया कि आज कोई ऐसा नया कार्य किया जाए जिससे हमारे मन को भी शांति मिले और उस आत्मा को भी शांति मिले। तो सभी बच्चों के लिए आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। टैगोर बाल विद्या मंदिर स्टाफ एवं छात्र छात्राओं, बड़ा दुखद प्रसंग भी है। स्वर्गीय प्रहल पारेता का देवलोकगमन आज से ठीक एक वर्ष पहले बीमारी की वजह से हो गया था, और उस समय वह जब वो अपने जीवन के उस पड़ाव पे था जहाँ से एक बच्चा अपने जीवन को निखारना चालू करता है, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ऐसे समय में ये बहुत सच है, परिवार वालों की, नगर वालों की ये पीड़ा बड़ी असहनीय है, लेकिन यह भी सच है प्रकृति के इस कठोर निर्णय के आगे हम लोग मजबूर होते हैं, और उसे किसी न किसी रूप से मन को समझाकर स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है।